हेलो एवरीवन, मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो ये 2018 का जो पेपर हमारा है DSSSB TGT का, उसके पार्ट टू को हम सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो, जूनियर एडेड इंग्लिश का जो एक नया बैच हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेड बैच है, जिसमें हम सब सिर्फ उसके पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट किसका होगा, आपके इंग्लिश लिटरेचर का और इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। चल, और की फीचर्स क्या होगा, कभी हम सब 25 से अधिक ऑथर्स को इस बैच में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वोकैब, जिसका भी वोकेबलरी में वीक हो, कॉम्प्रिहेंसन वाला जो सेक्शन वीक होगा, उसमें हम सब विशेष डील करेंगे, ठीक है। जूनियर एडिट सुपर टेट अक्टूबर में इसका पेपर जो है एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद रिकॉर्डेड, आपको बेसिकली रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे। उसमें फीस आपके लिए बहुत नॉमिनल रखी गई है, उतनी ही फीस रखी गई जितने से हमारा काम चल सके। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7985094020 पे, ज्वाइनिंग प्रोसेस और कितना फीस वगैरह, और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ये तो पेपर अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना हम DSSSB का। देखो, ये 2018 का पेपर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इंटरनेट पर बहुत ढूंढने के बाद ये पेपर मिला है। चलो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है वो है क्वेश्चन चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने किसका आया, वॉइस का क्वेश्चन आया हुआ है। दे वर क्वेश्चनिंग द स्पाई, ठीक है, जो आपको पहला जो क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से मैं आपको आंसर बताता चल रहा हूँ। आप जो उसको मैच करना चाहिए और मुझे बताइएगा सबसे लास्ट में कि आपका स्कोर जो है इस पेपर में कितना होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका वॉइस चेंज करना होगा, दे वर क्वेश्चनिंग द स्पाई। देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर वाज क्वेश्चन गलत है, स्पाई क्वेश्चन गलत है। स्पाई वाज के साथ बींग का यूज करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई दिन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको यहाँ पर आप सभी लोग करते चलिएगा, ठीक है। रामजी सिंह, ध्यान दीजिए, बी नहीं होगा, बी में देखो क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पे वर्क का यूज किया गया है, तो वर्क के साथ आप सब इसका यूज करते हो, BEING बींग का यूज आप सब वहाँ पे करते हो, ठीक है। आई वाज ऑब्लाइज टू यू, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आई वाज ऑब्लाइज टू डू सो, मतलब कि मैं काम करने में क्या मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे ऑब्लाइज्ड फील होगा। सम वन आस्क्ड मी टू डू सो, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अलग ही वे में चल रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। दे आस्क्ड, देखो आई वाज ऑब्लाइज्ड टू डू सो, मुझे ऐसा करने के लिए ऑब्लाइज्ड मींस मजबूर किया गया, तो मजबूर कौन करता है आपको, मजबूर जो करता है परिस्थितियां करती हैं, सरकमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड मी टू डू सो। बाकी दे आस्क्ड मी और देयर वाज एन ऑब्लिगेशन, दोनों में से कोई भी आपका करेक्ट नहीं बन रहा है सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, तो नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसका ग्रामर पे भी आपको फोकस करना होगा, वाज एब्राइज्ड था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम सब, अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपसे कहा कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है, कंजंक्शन हमने बहुत ही अच्छे डिस्कस किया, आप वीडियो में जाकर चेक करना। यू मस्ट एब्राइज डैश यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हें जो है पनिशमेंट दी जाएगी। तो अन्यथा का सेंस यहाँ पे बनाना था आपको, अन्यथा के जिस वर्ड का यूज करते हो आप उसका नाम क्या होता है अदरवाइज, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसको शेयर जरूर किया करो वीडियोज़ को, बहुत ही मेहनत से कॉन्टेंट्स आपके पास प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एक बार शेयर जरूर करना इसको। नंबर फोर को आप देखो, देयर वाज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस डैश दे डिसाइडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन, मतलब कि वहाँ पर जो था बहुत ही कम चांस था सक्सेस का, फिर भी उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो ऑपरेशन को करेंगे। नंबर फोर को ध्यान दो, ऑप्शंस की ओर देखो, वेयर एज होगा नहीं, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू, सो का देखो, सो का यूज यहाँ पर तब करते जब यहाँ पर अ लिटिल नहीं होता, जब होता कि देयर वाज होप फॉर ऑफ सक्सेस सो, तो यहाँ पर नेवर दस का यूज करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, देयर वाज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस नेवर दस डिसाइडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है। राम जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डी हो गया, फोर का आपका सी करेक्ट है।
ही वॉज डैश प्रेस्ड बट ऑल्सो अवॉर्डेड। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर ही वॉज नॉट ओनली प्रेस्ड, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जुड़ रहा है। तो आपका यहाँ पे देखो राम जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर देखो अ लिटिल दिया गया, सो का यूज आप कब करते हो, जब आपके काम करने की प्रायिकता ज़्यादा होती है तब आप सो का यूज़ करते हो, अन्यथा आप फिर नेवर दैट इसके साथ जाओगे, ठीक है। और ही वॉज नॉट ओनली प्रेस्ड बट ऑल्सो रिवार्डेड, आपका नंबर 5 को यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और भी बाकी जो कमेंट करते चलिए सर, ये वाला PDF शेयर कर दीजिए, ठीक है मुकेश जी मैं शेयर कर दूंगा। रुको यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, दिक्कत सबसे बड़ी यही है ना, रुको तो अभी मैं अभी तुरंत शेयर, अच्छा क्लास खत्म होते के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं तुरंत सेंड कर दूंगा ना, अन्यथा मैं फिर से उसको भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, ए करेक्ट हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है आपका सही है। नंबर 6 को देखो, आपसे कह रहा है नंबर कुछ लाइन अंडरलाइन नहीं किया आपके यहाँ, तो पूछा गया व्हाट, व्हाट यहाँ पे किसका काम कर रहा है बताओ भाई, व्हाट जो यहाँ पर दिया गया, व्हाट जो है कौन सा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया बेसिकली, ठीक है। बहुत अच्छे गाइस, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन जो है वहाँ पर व्हाट का स्थान नहीं दे पाएगा। अच्छा रेखा, ठीक है रेखा सिंह, थैंक यू, अच्छा आपका नाम रेखा है तो ये अच्छी बात है। 6 का ए करेक्ट है। दे कीप अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपसे पूछा था कि ईच अदर यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन के टाइप्स पे क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन तो ईच अदर होता नहीं है, ईच अदर गाइस देखो कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ही ड्रैंक लिटिल वाटर, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि लिटिल क्या है, ही ड्रैंक लिटिल वाटर, तो जाहिर सी बात है भाई ये वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, तो वाटर क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, आई थिंक यहाँ पर नीड नॉट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी कल की क्लास में ही, कल रात में ही डिस्कस किया है, नीड नॉट क्या होता है, एक मॉरल ऑक्सिलरी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 की ओर बढ़ते हैं, दे सेल्डम कम हियर, तो यहाँ पर देखो सेल्डम के बारे में बात हो रहा है, तो सेल्डम आपका किसका काम करता है यहाँ पर, एडवर्ब का काम करता है, बताओ भाई, आसान सी चीज़ें थी, बातें समझ में आई आपको 10 क्वेश्चन के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिल जाएगा कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है शिवानी रेखा जी बहुत अच्छे, ठीक है अपने ऑप्शन आप सब कमेंट करते रहो। 9 का प्राइमरी नहीं है रेखा, वो मॉडल ऑक्सिलरी नीड का यूज़ किया गया है ना। 8 का बी नहीं होगा, ध्यान देना गाइस, 8 का सी करेक्ट होगा, लिटिल वाटर है ना, वाटर के पहले लिटिल का यूज़ किया गया, तो वहाँ पे वो आर्टिकल का काम कर रहा है, ओके। और 10 का सेल्डम वहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, वेरी गुड गाइस। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन का यूज करके सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है गाइस। तो 11 नंबर सेंटेंस पर पढ़ो, वी सेल स्टार्ट अर्ली लॉस्ट, लॉस्ट नहीं यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए था, ये यहाँ पे आपका क्या, वी सेल स्टार्ट अर्ली लिस्ट लिस्ट, वी विल मिस द मस्ट, वी शुड मिस द ट्रेन, वी मिस द ट्रेन, वी सेल मिस द ट्रेन, तो मैंने आपको कल ही बताया था लिस्ट से शुरू होने वाले फ्रेज में जो किसका मॉडल के होता है शुड का यूज करते, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल ही के क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। 11 हो गया, 12th की ओर बढ़ते हैं हम सब गाइज, ठीक है 12th की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। एज सुन एज द थीफ रन आउट ऑफ द जेल, देन देखो एज सुन एज के साथ हम सब देन का यूज नहीं करते, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वेन का भी यूज नहीं करोगे, आपका सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा। एज सुन एज द थीफ रन आउट फ्रॉम द ऑफ द जेल द गार्ड हैड फायर्ड, देखो हैड फायर्ड का यूज नहीं करोगे आपसे, जब ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा वाला फ्रेज भी आपको किसमें बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिवानी रेखा बहुत अच्छे गाइस, बी करेक्ट हो गया उसका। इसमें देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, देन और वेन तो होता ही नहीं है, एज सून एज का मतलब ही होता है, और वहाँ पर हम सब वर्ब थर्ड का यूज वहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। 12th का डी होगा। 13 की ओर बढ़ते हैं हम सब। एवरी वन विल एडमिट डेट, एवरी वन विल एडमिट डेट दैट, तो सिंपल सेंटेंस है भाई, इसमें तो कुछ आपको करना भी नहीं था, जब पहला आपका फ्रेज देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना जी, 12 का डी होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब आपका पहला वाला फ्रेज किसमें दिया हो, फ्यूचर में दिया हो, जो आपका दूसरा वाला फ्रेज आएगा वो किसमें आना चाहिए गाइज, प्रेजेंट में आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवरी वन विल एडमिट डैट ही इज इनोसेंट।
ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली क्या है रॉन्ग है। ठीक है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, यू आर टू काइंड, सीता इज एस्ट्रो, स्नेहा ही इज रेदर केयरलेस फेलो। चलो 14 नंबर देखो गाइस क्या होता है। तो ही इज टू गुड टू बी ट्रू सही सेंटेंस है, यू आर टू काइंड तुम जो है बहुत ज्यादा काइंड हो, टू के साथ काइंड का यूज किया गया एकदम सही सेंटेंस है, सो काइंड नहीं होता। सीता इज एस्ट्रो स्नेहा ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए हमने एच एच का यूज किया गया है, तो बच रहा आपका ऑप्शन नंबर डी ही इज रेदर केयरलेस फेलो, तो रेदर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाता है ही इज अ केयरलेस फेलो। ठीक है, या फिर रेदर का यूज किया तो कोई और वहाँ पे नाम हमको एक्स्ट्रा देना चाहिए था। 14 हो गया, 14 का बी नहीं होगा शिवानी, यू आर टू काइंड होता है सही है। ठीक है, जो डाउट्स होंगे एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद आप लास्ट में कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं जरूर आपको बता दूंगा, अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई दे दूंगा आपको जो डाउट्स हो। अब देखो आपके जो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैं भी इसको आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला पोर्शन यहाँ देखो गाइस, 15 से 19 तक का और 20 से 24 तक का, ये सारे क्वेश्चन जो देखो दोस्तों पैसेज के दिए गए। किसके क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन जो है पैसेज के दिए गए। मैं आपसे बताता हूँ पैसेज का क्वेश्चन अभी क्लास में करवाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो पैसेज के क्वेश्चन हैं वो अभी जब मैं टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डालूंगा तो आप वहां से इस क्वेश्चन पैसेज को आप सभी लोग सॉल्व करना, जो कोई डाउट होगा तो मुझसे आप सब वहां पूछ सकते हो। ठीक है, तो पैसेज के क्वेश्चन हम सब स्किप कर देंगे आपसे पैसेज क्वेश्चन, तो 15 से 19 और 20 से 24 10 क्वेश्चन हम सब यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 23 24 25 से देखते हैं यहाँ पर, अब हम सभी लोग ध्यान से देखना। चलिए, द रेप ऑफ लुक्रेसी इज पोयम बाय, तो रेप ऑफ लुक्रेसी किसका पोयम है गाइस, 25th नंबर देखो यहाँ पर। अब ठीक है, रेप और लुक्रेसी किसका पोयम है, तो गाइस तो विलियम शेक्सपियर का पोयम है, किसी को डाउट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन प्ले बाय थॉमस मिडिल्टन, तो थॉमस मिडिल्टन का आपसे पूछा गया सबसे बेस्ट प्ले कौन सा है, सबसे बेस्ट नोन प्ले कौन सा है किसका, थॉमस मिडिल्टन का वुमेन बीवेयर वुमेन, द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, द शू मेकर सोलिटेयर, डचेस ऑफ माल्फी। तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वुमेन बीवेयर वुमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, एडम इज द सेंट्रल कैरेक्टर, अब एडम ना कैरेक्टर किसमें है गाइस, तो बिल्कुल जॉन मिल्टन का एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें आपको एडम नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, 28 की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग अब जी, 25 का डी हो गया, ठीक है शिवानी रेखा बहुत अच्छे, 26 का हो गया हमारे सामने ए हो गया और 27 का बी, द होली वॉर बाई बनियान वाज पब्लिश, तो होली वॉर जो था एक बुक है वो बनियान का वर्क है, वो कब पब्लिश में आया था, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे उसमें। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना सभी लोग। 28 का सही जो ऑप्शन नंबर बी है 1682, देस वाज अ क्लर्जी मैन हुज बेस्ट नॉन वर्क इज द होली वॉर, तो द होली वॉर किसका सबसे बेस्ट वर्क है गाइस बताओ। ठीक है, तो ये जॉन बनियान का जो है एक बड़ा ही फेमस वर्क है ना। ठीक है, 1682 में पहली बार पब्लिश हुआ था, जॉन बनियान का एक बड़ा ही फेमस वर्क है। ठीक है, चलो, जॉन स्विफ्ट्स फर्स्ट नोटेबल वर्क डैश विच नॉट पब्लिश्ड इन अ नी सटायर अपॉन पार्टीज इन द कॉन्ट्रोवर्सी, तो बताओ यहाँ पे ड्यू ऑफ माल्टा इनका है ही नहीं। ठीक है, वो तो क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, बताओ इसका क्या, 30 नंबर देखो अच्छे से, छठी नंबर क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक
ठीक है, तो द बैटल ऑफ द बुक्स जो है इनका ना, देखो गुलिवर्स ट्रेवल भी इनका वर्क है पर ये सटायर है। आपसे क्या पूछा, नोट पब्लिश इन अ नी सटायर अपॉन पार्टीज इन अ कंट्रोवर्सी, तो गुलिवर्स ट्रेवल इनका सटायर था, द बैटल ऑफ द बुक्स जो इनका वर्क आया था, द बैटल ऑफ द बुक्स, वो बेसिकली आप इसको यहाँ पर कंसिडर करोगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज 2008 नोवल बाई, अब पैलेस ऑफ इल्यूजन किसका वर्क है गाइस, आपसे ये पूछा 31st नंबर पर। ठीक है, चित्रा बनर्जी, दिव्य दिव्य करुणी, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी या फिर अनिता देसाई, तो ये द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसका वर्क है, तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का वर्क है। ठीक है, विच ऑफ द नॉवेल्स बाई सलमान रशीद पोर्ट्रेट द लाइफ ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो एंड जनरल मोहम्मद जियाउल हक, तो सलमान रशीद का एक बड़ा ही फेमस सा वर्क आया था, पब्लिश हुआ था ना, उसका नाम था सेम, तो सेम नाम का जो वर्क था उसमें उन्होंने जुल्फिकर अली भुट्टो और जनरल मोहम्मद जियाउल हक के बारे में बताया था। 32nd का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द ब्लूएस्ट आई किसने लिखा था, द ब्लूएस्ट आई का नॉवल के ऑथर का क्या नाम है गाइस, तो कौन से ऑथर स्टडी करने की बता देंगे, शिवानी मैंने सिलेबस डिस्कस किया है उसका, ऐसे भी वर्बली क्या बताऊँ, मैंने उसके सिलेबस को डिस्कस किया है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं कमेंट कर दे रहा हूँ इस वीडियो के लिंक को, आप बाद में उसको विजिट कर देना। ठीक है, इसमें मैंने कोशिश की आपको बताने की, देखो ऑथर ऐसा डी ट्रिपल एस बी में आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मॉडर्न एज के भी ढेर सारे ऑथर्स को पढ़ना होगा, दिक्कत यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33rd का, टोनी मॉरिसन का वर्क है द ब्लूएस्ट आई। ठीक है, 33rd का आपका ए करेक्ट होगा। चलो आगे देखते, 34 का इज द फर्स्ट नॉवल बाई डी एच लॉरेंस पब्लिश्ड इन 1911, तो डी एच लॉरेंस का जो पहला नॉवल था उसका क्या नाम है गाइस, तो उसका नाम है द वाइट पीकॉक। ठीक है, 34, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सो, ही बिट एन एंजल वॉर्म इन हाफ। ठीक है, 35th नंबर देखो, एमजी डिकिंसन का वर्क है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हार्थोर्न या फिर विटमैन है, तो अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सो, ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ, तो ये एमजी डिकिंसन का बेसिकली इस वर्क से इसको लिया गया है। Which of the following is a pastoral romance by Sir Philip Sidney? तो Sir Philip Sidney के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क जो है लिखा गया जो कि एक pastoral romance है गाइस। ठीक है, तो अर्कैडिन नाम का जो वर्क है Sir Philip Sidney का, वो आप सब यहाँ पे कंसिडर करोगे। ठीक है, चलिए 36 हो गया, आगे देखिए, सोनेट ऑन मिल्टन किसने लिखा है, सोनेट ऑन मिल्टन इसके द्वारा लिखा गया है, सोनेट्स ऑन मिल्टन, 37 नंबर देखो, तो ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, सोनेट ऑन मिल्टन है ना, सोनेट ऑन मिल्टन, तो ये वर्ड्सवर्थ नहीं बेसिकली लिखा है। आई थिंक मिल्टन जो है, ठीक है, आई थिंक ये वर्ड्सवर्थ सही जवाब होना चाहिए इसका। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, दिस क्वोट इज टेकन फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसने लिखा है गाइस, चलिए बताइए क्या जवाब होगा इसका, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में किसका छपा है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, 38 नंबर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑप्शन नंबर बी 38 का बी करेक्ट होगा। चलो, शेक्सपियर सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश इन, तो विलियम शेक्सपियर का जो पहली बार सोनेट्स का पब्लिश हुआ था गाइस, तो 1609 में पब्लिश हुआ था, पब्लिशर का नाम इसका क्या है गाइस, तो थॉमस थॉर्प नाम के व्यक्ति ने इसको पब्लिश करवाया था। ऑलराइट, चलो, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी किसने कहा, नंबर 40 गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मैकबेथ की। ठीक है,
मैकबेथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी नथ सिग्निफाइंग नथिंग। चलो ठीक है। डोरोथा ब्रूक इज अ 19 ईयर ओल्ड ऑर्फन इन द नोवेल डैश बाय जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का कौन सा नोवेल है जिसमें एक 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 19 ईयर ओल्ड लड़की के बारे में बताया गया, तो उस नॉवल का नाम है मिडिल मार्च। उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डोरोथिया ब्रूक जो कि 19 ईयर्स ओल्ड है। जॉर्ज इलियट का बेसिकली ये यहाँ पर एक वर्क है। ठीक है, चलो 42nd की ओर बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एडवेंचर ऑफ पुअर क्लर्क ऑफ ऑन हिज बाईसाइकिल फॉर अ हॉलीडे। तो द व्हील ऑफ द चांस जो वर्क है उसका जो थीम है वो क्या है, उसमें एक गरीब क्लर्क की कहानी है जिसमें गरीब क्लर्क की कहानी है जिसमें क्या करता है वो वहाँ पे उसको कंसिडर करवाया गया। ठीक है शिवानी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 42nd का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। देखो ऑप्शन में आंसर की देखो जो आई थी, हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन उसमें गलत भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि सब मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक बार जब मैं PDF शेयर करूंगा तो आप एक बार सॉल्व करना खुद से भी, उसको खुद से अपने स्तर पर भी चेक करके कोशिश जरूर करना। सिल्वर बॉक्स इसका प्रॉब्लम प्ले है गाइस, 43rd नंबर देखो। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, 1906 में वर्क छपा था किसका है, जॉन वेल्स वर्दी का। द ज्यू ऑफ माल्टा इज अ प्ले विच डील्स विद द लस्ट फॉर वेल्थ रिटेन बाय। देखो द ज्यू ऑफ माल्टा, अभी हमने जो क्लास ली थी 12 बजे वाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, मैंने बताया द ज्यू ऑफ माल्टा किसका वर्क है, मर्दों का वर्क है। ठीक है सर, समझो इसको कैसे यहाँ चीजें बोले। 45 नंबर देखो, 45 नंबर कह रहा है व्हाई दिस इज हेल नोर आई एम आउट ऑफ इट थिंग्स डाउट दैट आई हु सो द फेस ऑफ गॉड द मर्चेंट ऑफ वेनिस ज्यू ऑफ माल्टा फर्स्टस पैराडाइज लॉस्ट। तो 45 नंबर गाइस आपको याद होगा मैंने भी फर्स्टस पढ़ाया है, क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। ठीक है, उसी में ये लाइन्स आती है कि व्हाई दिस इज हेल नोर एम आई आउट ऑफ इट थिंग्स डाउट दैट आई हु सो द फेस ऑफ गॉड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको 45 तक। चलो अच्छा शिवानी, आपका UPTET इंग्लिश में 3 मार्क्स और उसी में ऐसा है शिवानी। कुछ चीज ये अभी आज जो एक नई खबर बन के आई है, आज नई खबर ये बन के आई है कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है और उसके लिए लोग गए हैं रिट डालने, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा अगर धांधली ना हुआ होता नॉर्मली में तो 80-85 स्कोर ठीक था, बट हो सकता है कि अब रिट वगैरह पड़ रहा है, धांधली हुआ है, पेपर्स आउट हुए हैं, तो पता नहीं क्या होगा, मेरिट हो सकता है हाई भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, दिक्कत होगा इसमें भी। ठीक ना, आई एम टायर्ड 46 नंबर देखो गाइस क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ और मैं अपने बेड पे जाऊँगा, आई एम टायर्ड एंड आई विल गो टू बेड नाउ। देखो एंड को यहाँ ओमिट कर दिया, आई एम टायर्ड एंड आई विल गो टू बेड नाउ, अब मैं जो है अपने बिस्तर पे जाऊँगा, आई गोज होगा नहीं यहाँ पर, गो का भी यूज करोगे नहीं, एम गोइंग होगा नहीं, कंटिन्यूटी बता दिया कि जाने की बात हो रहा है। ठीक है, 47 नंबर देखो गाइस यहाँ पे आई प्रोमिस आई विल नॉट कम लेट, आई प्रोमिस आई विल प्रोमिस, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आई प्रोमिस आई वॉन्ट कम लेट आई वॉन्ट बी लेट। 47 का क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है चलिए, 46 का भी ठीक है देखा, बहुत अच्छी बात है। चलो 48 नंबर देखो, इजी इजी क्वेश्चन अभी तो आपके सामने आ रहे हैं अभी फिलहाल तो। इट डैश फॉर 10 डेज, ठीक है शिवानी ये करेक्ट है आपका। 48 नंबर देखते हैं हम सभी लोग। ठीक है देखो बात यहाँ पे फोर टेन डेज आ गया तो इट हैज बीन रेनिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे रेन दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने देखो आपको क्लास में डिस्कस किया था कि यदि आपके समय में कोई फिक्स्ड टाइम दिया हो और अगर आप वहाँ पे इसके साथ नहीं जा पा रहे हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन रहा है तो आप उसको किस टेंस में बनाते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हो, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वेरी करेक्ट होगा। ठीक है सीमा सिंह, मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है, मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ उस लिंक को, आप उस लिंक पे जाओ, मैंने वहाँ पे सब शेयर किया हुआ है कितने इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है मैंने Part 1 Part 2 दोनों को ही डिस्कस किया है वहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ सिलेबस इसका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, DTPSB TGT का आप सब देखते हुए क्वेश्चंस कैसे कैसे हर टॉपिक से बन के आ रहा है ना,
शिवानी सी नहीं होगा इसका ध्यान देना, इट इज रेनिंग फॉर 10 डेज नहीं हो सकता। चलो ठीक है शिवानी, थैंक यू आपको भी। आई ही शैल बी गिवेन अ प्रेजेंट इफ ही पासिस दिस ईयर, द अंडरलाइंड वर्ड इंडिकेट दैट द सेंटेंस इज अ। तो ही शैल बी गिवेन अ प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस क्या है, 49 नंबर सेंटेंस आज पूछ रहा है ये क्या है, मतलब कि उसको जो है एक तोहफा दिया जाएगा यदि वो इस साल पास हो जाता है। आपका सेंटेंस तो यही कह रहा है, तो ज़्यादा धमकी नहीं है, ना ही डिटर्मिनेशन, ना ही कमांड, ये सेंटेंस आपका क्या है, एक प्रॉमिस है। सेंटेंस में आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि यदि तुम इस साल पास हो गए तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। इन माई यंगर डेज आई डैश रन 4 माइल्स एट अ स्ट्रेच, 50 नंबर देखो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। इन माई यंगर डेज मतलब यहाँ पे देखो पास्ट के बारे में बात हो रही है, जब पास्ट में आपको वो ताकत बताना होता तो आप कुड का यूज करते हो। अभी कल रात की ही 10 बजे वाली क्लास में हमने इसको पढ़ा है, कुड का यूज आप सब किसके लिए करते हो, जब आपको ताकत बतानी हो, ताकत किसमें पास्ट में बताना हो तो आप सब वहाँ पे कुड का यूज कर सकते हो। इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड आई डैश बी विथ यू नाउ, देखो यहाँ पे कंडीशनल वाला सेंटेंस आ गया ना, सेकंड कंडीशन यहाँ पे बन रहा है 51st नंबर, देखो गाइस अच्छे से, ठीक है। इफ आई कुड, पास्ट सेंटेंस कल्पना है हमारी, क्या एक इमेजिनेशन है ना, इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड आई वुड बी विथ यू नाउ, अगर मैं एक पक्षी की तरह उड़ पाता तो मैं भी तुम्हारे साथ होता, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर वर्ड हैव वाज, 52nd नंबर देखो गाइस। तो ईच जो होता है, ईच से शुरुआत होने वाला सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वहां पे वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवेन अ रिवॉर्ड। माई सिस्टर एंड माई मदर डैश मी टू स्टडी मेडिसिन, अब देखो 53 में आपके दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़ा हुआ है, पहला सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है, जब दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े होते हैं तो आपका वर्ब कैसा होता है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हो, तो माई सिस्टर एंड माई मदर वांट मी टू स्टडी मेडिसिन, ठीक है। 53rd का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ही एंड आई, 54 नंबर देखते हैं हम सभी लोग, ठीक है। ही एंड आई एम एट ऑक्सफोर्ड टूगेदर, वाज देखो फिर यहाँ पे ही और आई को दो स्विच जोड़ा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही एंड आई वर एट ऑक्सफोर्ड टूगेदर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है रेखा, बहुत अच्छे वाज होगा वहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट आउट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड पार्ट, देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया नहीं है, पता नहीं क्यों इस PDF में। चलो 55th नंबर देखो गाइज क्या कह रहा है आपसे, गेट आउट ऑफ माई वे हु एवर यू आर, आई थिंक यही वाला। देखो नाउन क्लोज का क्या होता है, नाउन क्लोज सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करता है, और एक आपका कॉम्प्लीमेंटल क्लोज की तरह काम करता है। तो इसमें जो फ्रेज कहीं पे भी मुझे ना ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट PP या फिर CC कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है। और अगर आप तो नाउन क्लोज गलत हो जाएगा आपका, अगर आप एडजेक्टिव क्लोज की ओर जाते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज का सेंटेंस आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, और सेंटेंस में अगर कहीं पर भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दिया नहीं है तो एडजेक्टिव क्लोज भी गलत होगा, तो बच रहा आपका एडवर्ब क्लोज, तो यहाँ पे 55 में एडवर्ब क्लोज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लाइफ इज वाट वी मेक ऑफ इट, अब देखो लाइफ इज वाट वी मेक ऑफ इट, ये सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, लाइफ इज वाट, ठीक है, आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर ना। देखो लिंक इज यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे काम कर रहा है एक लिंकिंग वर्ब का, और आपको पता होगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी चीज होता है उसको हम सब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ है वाट वी मेक ऑफ इट, तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट वाला क्लोज भी कौन सा होता है, ये नाउन में आता है, तो आपका ये 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है नाउन क्लोज। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, तो एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो। आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, 57 नंबर देखो, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, तो बिकॉज क्या है यहाँ पर, एक एक सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक एडवर्ब है बेसिकली, तो यहाँ पर ही एडवर्ब होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वी ईट दैट वी मे लीव, 58 नंबर देखो गाइज, वी ईट, देखो फिर वही जो बिकॉज और दैट वाला यहाँ पर सेंस बताता है, बेसिकली यहाँ पर सो भी होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत दिया गया, वी ईट सो दैट वी मे लीव, तो ये आपका हमेशा एडवर्ब क्लोज बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए सब, अगर आपको सेंटेंस का नॉलेज होगा, ठीक है, जैसे देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, चलो बात समझ में आ रही है आपको दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे
ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक मैंने क्रिएट कर रखा है, आप एक बार जाके वहाँ पढ़ो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ लोगे ना, जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है उसमें आप देखोगे ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। जो भाई पंचुएशन, पंचुएशन देखो सबसे अच्छा टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन यहाँ से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, फंसते हैं और आप सही करके भी आते हैं। 59 नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे कि सोलोमन सेज, सोलोमन कहता है ऑफ द मेकिंग ऑफ बुक्स देयर इज नो एंड। ठीक है, देखो ये तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पर। पहली बात तो एक, क्योंकि उसने किसी बात को कही है तो यहाँ पर ये आना चाहिए था इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। हाइफन का यूज हम सब इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि सोलोमन सेज, इंटरप्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सेमी को इसका यूज तो कर दिया कॉलम का, ऑफ द मेकिंग ऑफ बुक्स फिर सेमी कॉलम का यूज, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर वेरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ही सेड आई वॉन्ट अलाउ इट, 60 नंबर देखो गाइज, ही सेड सिंपल सेंटेंस है, ही सेड कॉमा ठीक है, इन्वर्ट कॉमा ठीक है, इन्वर्ट कॉमा लास्ट में बंद है, वॉन्ट में लगा हुआ है, फुल स्टॉप ये गलत है आपका। ये सब देखो सेमी कॉलम होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, आसान सा क्वेश्चन था। डिड यू हियर अ साउंड ही आस्ट, तो ही आस्ट कॉमा इन्वर्ट कॉमा वाला सेंस बनेगा 61 में भी आपका, इजी सा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो ही आस्ट कॉमा फुल स्टॉप दे दिया, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर ही आस्ट कॉमा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है बट कॉमा का यूज नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 61 में भी आप किसको करेक्ट करोगे, बी को ही करेक्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, सूर्य प्रताप देखो डी इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि कॉमा का यूज देखो यहाँ पर नहीं किया गया था, यहाँ पे देखो कॉमा का यूज किया गया है, तो इस बेसिस पे हम सब जो है इसको मान सकते थे। फिर देखो आगे 62 से आपका पैसेज आ गया, पैसेज को स्किप करेंगे हम। देखो चार पैसेज आपके पेपर में दिए गए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 67 से 71 तक पैसेज आ गया, इसको भी हम सब स्किप कर देंगे। ठीक है, 71 से आगे बढ़ते हैं, हाँ सूर्य प्रताप आई थिंक कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी एरर। देखो होता क्या है कि कॉमा इन्वर्ट कॉमा तो एजेंसियल है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी अपनी हो चाहिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मैंने उसको बताया आपको ना, कॉमा प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ कॉमन होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी में कॉमा लगा दे, या तो ऑप्शन नंबर डी में, या तो ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन मार्क लगा दे, या ऑप्शन नंबर डी में एक कॉमा का यूज कर दे, फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 72 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ चौसर रिटन आफ्टर डेथ ऑफ द वाइफ ऑफ चौसर पैट्रॉन जॉन ऑफ गॉन्ट। देखो जॉन ऑफ गॉन्ट की मृत्यु के बाद चौसर का जो वर्क छपा था उसका नाम था बुक ऑफ डचेस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। ठीक है, द फेरी क्वीन इज अ ग्रेट वर्क अपॉन विच फेम चीफली रेस्ट, तो फेरी क्वीन किसके बारे में, किसका ग्रेट वर्क है, तो बिल्कुल स्पेंसर का वर्क है। हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इट्स सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस फॉर वेयर वी आर इन हेल, ये बताओ लाइन्स कहाँ से दी गई है, 74 नंबर। तो ये भी देखो डॉक्टर फॉस्टर्स जो वर्क था क्रिस्टोफर मार्लो का वहां से टेकन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिंस ऑन अ स्ट्रीट इन वेनिस इन द मिड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन रोड्रिगो एंड इयागो। देखो भाई 75 नंबर रोड्रिगो और इयागो नाम का कैरेक्टर आपको किस वर्क में देखने को मिलता है, तो ये ओथेलो में आते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर किस में आता है गाइस, मैकबेथ में आता है। द क्लाइमेक्स ऑफ मैकबेथ मर्चेंट ऑफ वेनिस टेक्स प्लेस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्लाइमेक्स कहाँ पे होता है दोस्तों, तो वो जो कोर्ट रहता है ड्यूक ऑफ वेनिस का, वहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्लाइमेक्स होता है। ठीक ना जी, हु रोट द रोमांस रोजालिंड विच सप्लाइड फॉर शेक्सपियर्स एज यू लाइक, तो रोजालिंड नाम का वर्क किसने लिखा जिसका बेस बना था क्या एज यू लाइक इट, तो बिल्कुल लॉज का वर्क था रोजालिंड जिसपे शेक्सपियर ने आगे चल के एज यू लाइक इट वर्क को लिखा था। इन विच प्ले डज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किस प्ले में आता है दोस्तों, 79 नंबर देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो एज यू लाइक इट फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है। द विलेज बाय द सी इज सेट इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड, द विलेज बाय द सी जो वर्क है वो किस स्थान पर सेट है, तो ये थुल नाम के स्टार्ट पे स्थान पर सेट है,
लेटर डे शाम इज पोएट्री कलेक्शन बाय, देखो ये हमने क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है। लेटर डे शाम किसका, नसीम एजिकिल का एक बड़ा ही फेमस सा वर्क है, पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है। वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984 एंड रिटर्न द सेम अवार्ड इन अक्टूबर 2015, ठीक है। सेकंड नंबर देखो गाइस, तो के एन दारू वाला उस व्यक्ति का नाम है जिसने 1984 में साहित्य अकेडमी जीता और 2015 में उस अवार्ड को क्या कर दिया, उन्होंने लौटा दिया, ठीक है जी सुमित, हेलो, ठीक है। चलो इट इज थर्ड की ओर बढ़ते, द प्रोटोगोनिस्ट जॉन जॉन ब्राउन एंड हिज फ्रेंड जेनेट हॉकेन आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम, देखो ये कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन भाई बहुत बनते हैं इस साल, उम्मीद है बनने ही की बनेगी। तो द गोल्डन गेट में ये दोनों जॉन ब्राउन और उसका दोस्त जेनेट हॉकेन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। रेलवे राजू इज अ फेमस कैरेक्टर, भाई रेलवे राजू जो है किसका फेमस कैरेक्टर, तो बिल्कुल रस्किन आर के नारायणा का बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन किसका वर्क है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन और नॉवल रिटन बाई, 85 नंबर देखो गाइस किसका है, तो ये जो वर्क है जेरोमी चर्चन का चोरियन का वर्क है, ठीक है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन। चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, द मिल ऑन द फ्लोर्स ये किसका नॉवल है, 89 नंबर देखते हैं हम सभी लोग, द मिल ऑन द फ्लोर्स ये जॉर्ज इलियट का नॉवल है, ठीक है। 90 नंबर देखो रोट अंडर द पेन नेम कर्ल बेल नाम का पेन नेम किसका था, तो बिल्कुल ये चार्लोट ब्रोंटे का पेन नेम है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फीचर्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग आर, ठीक है 91 का क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पे यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट किया गया है डिस्टेंस लर्निंग कौन से फीचर्स सही होते हैं, लर्नर्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द टीचर नहीं, प्री प्रोड्यूस्ड कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन प्रेजेंटेशन ब्रॉट अबाउट द अदर मीन्स डेट 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो अंतिम के 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से आए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सब्जेक्ट को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है गाइस, बीइंग कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ दे हैव बीन स्टडीड नहीं, बीइंग स्टडीड बाय मल्टीपल डिसिप्लिन्स ठीक है भाई, हैविंग टाइटल लिटिल और नो ओवरलैप नहीं ठीक गलत है, तो आपका सब्जेक्ट जो होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, 93 देखो, तो एजुकेशन जो होता है सुमित कौन सा पीजीटी, यूपी पीजीटी की बात कर रहे हैं आप, तो यूपी पीजीटी में टीचिंग मेथड नहीं है, ग्रामर का इसका हिस्सा आपकी यूपी पीजीटी में काम करेगा, और अगर डी ट्रिपल्स भी पीजीटी है तो उसमें तो हेल्पफुल है ही भाई, उसी का पेपर ही हो रहा है। तो एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो एजुकेशन से आप सब अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को ही बढ़ा सकते हैं, और जब आप पर्सनली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो आप सोशली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिर कल्चरली ट्रांसफॉर्म आप हो सकते हैं, पर उसका मेन एड हम सब ऑप्शन नंबर बी को ही मान के चलते हैं। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, विजुअल एड्स का यूज क्यों किया जाता है, सिंपल मोर नॉलेजेबल क्विकर इंटरेस्टिंग, तो 94 का क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग एजुकेशन बनाने के लिए हम सब विजुअल एड्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉर्मल टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बेसिकली ऑक्योर इन टू वेज, दे आर 95 को देखो, द फाउंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एज ओपन यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुअल एडवांस ऑफ नॉन फॉर्मल एलिमेंट्स, चलो ये तो सही ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, कोई गलती नहीं है। फाउंडिंग ऑफ सिस्टमेटिक मॉडल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ लॉज एंड नॉर्म्स, नहीं यार इससे थोड़ा चलो तो ठीक है, तो जब बी गलत हो गया तो आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कुछ अंतिम 5 क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या खूबियां पाई जाती है गाइस, 96 नंबर देखो, पार्टिसिपेंट्स हु आर फाउंड इन ऑल एज ब्रैकेट्स वेल डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेस, अच्छा फॉर्मल एजुकेशन में जो है प्रोसेस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, फॉर्म कैसे कैसे आपको पढ़ना है वो सब आपको पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन एज रिसेप्टिव स्किल, ठीक है, तो रिसेप्टिव स्किल किससे करते हैं गाइस, 97 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। एल एस आर डब्ल्यू में आपका एल और आर को क्या कहते हैं हम सब गाइस, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखो 98 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड इन टीचिंग, टीचर सेव्स टाइम एंड मेक कन्वर्सेशन इजियर, अच्छा ठीक है भाई, इट डजंट रिक्वायर स्पेशली ट्रेंड टीचर, अच्छा ट्रेंड टीचर चाहिए, दिस मेथड इज वेरी
यूजफुल नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलो 99 नंबर देखो गाइस, विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल फीचर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। डिसिप्लिन डजंट हैव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, होता है भाई उनके पास। डिसिप्लिन है डेवलप्ड स्पेसिफिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ए एंड सी जो है इसका यहाँ पे बहुत करेक्ट होगा। 100 देखो, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपर्ट विथ हिज स्टूडेंट्स। बाई टीचर कैसे उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, बिकम अ फिगर ऑफ हिज अथॉरिटी नहीं, इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विथ नॉलेज एंड स्किल, प्लेइंग अ रोल ऑफ गाइड बिकम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो ये 100 बेसिकली क्वेश्चंस थे आपके सामने, पैसेज को हमने नहीं यहाँ पे कंसर्न किया, बाकी को हमने देख लिया, ठीक है। पैसेज के लिए मैं अभी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ से पैसेज को देख लेना। जी दीपिका नमस्कार ना। तो 100 क्वेश्चन 2018 का जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और भी अगर पेपर्स मुझे कहीं से मिलते हैं किसी सोर्स से तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसे शेयर कर दूँ, ठीक है। और बताओ कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं जवाब दे पाऊँ। चलो मैंने PDF भी शेयर कर दिया ग्रुप में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, DSSSB के बाद हमारा जो अगला टारगेट बनने जा रहा है जूनियर सुपर टेट ही है, उसका एक हमने पैड बैच स्टार्ट कर दिया है ना, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें पूरा 25 से अधिक ऑथर्स हम सब देख डिस्कस करेंगे, ठीक है। वोकैब कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, ठीक है, और फीस बड़ा कम है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो आप